एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है 10 एंड 12 के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो चीजें अब यहाँ पे चलने वाली है, अब ये चीजें आप लोग के लिए भी सही नहीं है। यानी कि आप लोग जो है यहाँ पे सबसे पहले आप लोग एक एक करके समझिएगा, क्योंकि एक दो नहीं तो आप लोग के लिए टोटल तीन बड़े अपडेट्स पे बात करने वाले हैं, जिसमें एक यहाँ पे सबसे बड़ी बैड न्यूज है। और सबसे पहले मैं उसी से शुरुआत करना चाहूंगा। कॉपी चेकिंग को लेकर यहाँ पर कुछ बातें कही गई है जो आप लोग भी दोस्तों यहाँ पे जानेंगे तो आप लोग भी कहेंगे कि ये सच में ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये चीजें किसी ने नहीं सोची थी कि ऐसा जो है यहाँ पे होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे पहली अपडेट से बढ़े तो सीबीएसई बोर्ड का यहाँ पे रिजल्ट दोस्तों डिले होता हुआ दिख रहा है। इलेक्शन आप लोग के पता है कि इसी मंथ में आप लोग के यहाँ पे इलेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं, हर एक राज्यों में यहाँ पे जो है इलेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं। और आप लोग को पता है सीबीएसई एक यहाँ पे जो है नेशनल बोर्ड है, जहां पे दोस्तों सीबीएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट्स है केवल एक स्टेट से नहीं है, हर एक स्टेट से जो है सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स है। और कॉपियां भी जो है हर एक स्टेट में ही हो रही है। और आप लोग को ये अच्छी तरीके से मालूम होगा, जब इलेक्शन होता है तो टीचर्स की ड्यूटी जो है इलेक्शंस में लगती है, और ऐसे में दोस्तों कॉपी चेकिंग को लेकर यहाँ पे कुछ चीजें जो है अब यहाँ पे स्लो डाउन होता हुआ दिख रहा है। अब इसका जो है बड़ा रिजल्ट ये है कि सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं तो रिजल्ट की दोस्तों यहाँ पे जो कहा जा रहा था कि आप लोग के मई के यहाँ पे स्टार्ट में ही रिजल्ट देखने को मिलेगा, अब यहाँ पे दोस्तों सीबीएसई बोर्ड के जो पहली आज जो है ऑफिशियल अपडेट निकल के सामने आई, जो कंट्रोलर ने दोस्तों यहाँ पे जो अपडेट दिया कॉपी चेकिंग को लेकर, पहली बातें उन्होंने यही कहा, यानी बैड न्यूज से उन्होंने भी शुरुआत किया। उन्होंने कहा कि रिजल्ट जो है यहाँ पे मिड मई या फिर मिड मई के और आगे जा सकता है। इसका मतलब क्लियर है कि 15 मई या फिर जो है 20 मई या फिर जो है यहाँ पे अगर और डिले होता है तो 25 मई भी यहाँ पे जा सकता है। अब ऐसा इसलिए हो पा रहा है, यानी कि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि दोस्तों कॉपी चेकिंग यहाँ पे थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है। यानी कि सेकेंड अपडेट पे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिए सीबीएसई बोर्ड की कॉपी चेकिंग को लेकर, जो आप लोग बार बार पूछ रहे हैं कि हमारी कॉपी चेकिंग जो है कहाँ तक पहुंची है तो सीबीएसई बोर्ड ने क्लास 12 की जो मैथमेटिक्स की कॉपी है वो यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे एंड तो कर लिया है। लेकिन एक बड़ी बात जो है यहाँ पे कॉपी चेकिंग को लेटेस्ट अपडेट ये है कि बायोलॉजी की जो है यहाँ पे कॉपी चेकिंग जो है स्टार्ट हो गई है। यानी बायो जो है यहाँ पे मेन सब्जेक्ट है और यहाँ पर भी जो है काफी सारी कॉपियां जो है बोर्ड को यहाँ पे चेक करनी है। मैथ में जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे बोर्ड को जो है यहाँ पे जो है 7+ डेज जो है यहाँ पे जो है कॉपी चेकिंग में लग गया। लेकिन अच्छी बात रही कि मैथ का जो है कॉपी चेकिंग यहाँ पे एंड हो गया है। अब एक और बड़ी अच्छी खबर की बात करें यहाँ पे 10 के लिए तो 10 की जो है मैथ की कॉपी चेकिंग को लेकर एक बड़ी अपडेट ये निकल के सामने आ रही है कि ये कॉपी चेकिंग जो मैथमेटिक्स की आप लोग की चल रही थी ये भी दोस्तों ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर एंड है, यानी कि एंड होने वाला है। और यहाँ पे उसके बाद जो है कंप्यूटर आईटी की कॉपी बचेगी और ये भी जो है 2 से 3 दिन में एंड हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे डेट निकल के सामने आ रही है कि ये जो आपका अप्रैल अभी चल रहा है, जैसे कि यहाँ पे अप्रैल जो है 5, 6, 7 यानी कि 7 अप्रैल से पहले बोर्ड के यहाँ पे एग्जामिनर कह रहे हैं कि हम जो है क्लास 10 का 100% कॉपी चेकिंग को डन कर लेंगे। 12 में मैंने आपको बता दिया अभी क्या चल रहा है, बायो की कॉपी चेकिंग स्टार्ट हो गई है। बायो से पहले के जितने सब्जेक्ट थे सब यहाँ पे पूरी तरीके से डन है, 100% यहाँ पे चेक हो चुका है। तो आप लोग जो है यहाँ पे पूरी कंप्लीट जो है आपको आई होप कॉपी चेकिंग को लेकर एक चीजें पता चली होगी। लेकिन एक और बड़ी बैड न्यूज दोस्तों यहाँ पे निकल के सामने आ रही है, क्लास 12 की कॉपी चेकिंग जो है यहाँ पे 10 के बच्चों को फंसाने वाला है। अब वो ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि क्लास 12 की कॉपी चेकिंग को लेकर दोस्तों यहाँ पे एग्जामिनर ने दोस्तों आज क्लियर कट यहाँ पे बताया कि हमें जो है यहाँ पे क्लास 12 की कॉपी चेकिंग को करने में लगभग यहाँ पे 20 अप्रैल तक का समय लगेगा। और एक बड़ा जो है मैं आपको सामने यहाँ पे जो है एक बड़ा जो है आपको जो है यहाँ पे बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन आपको दूं तो लास्ट ईयर जो है ये लास्ट ईयर भी हुआ था और इस साल भी आपके साथ सेम ये चीज होने वाला है। अब इसको लेकर आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या ये चीजें जो है आपके साथ होनी चाहिए। पहले मैं बताता हूं लास्ट ईयर क्या हुआ था। लास्ट ईयर जो है यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड ने क्लास 10 का जो रिजल्ट है यहाँ पे 5 अप्रैल को ही जो है रेडी कर लिया था, लेकिन 10 के बच्चों को जो है यहाँ पे पूरा 1 महीना वेट करना पड़ा रिजल्ट को लेकर, क्योंकि बोर्ड का यहाँ पे जो है पहले ही रूल बना रखा है बोर्ड ने, पहले 12 फिर 10। अब जब तक 12 का रेडी नहीं होगा तब तक 10 के बच्चों को रुकना पड़ेगा। और इस साल भी ऐसा ही होता दिख रहा है, 7 तारीख को आपकी कॉपी चेकिंग डन होगी और उसके बाद जो है बोर्ड अभी जो है लगातार आपकी मार्क्स को भी अपलोडिंग करने का काम कर रही है। और यहाँ पे जो है 15 अप्रैल तक जो है आप लोग यहाँ पे ये मान के चलिए 15 से 20 अप्रैल तक जो है आप लोग का रिजल्ट यहाँ पे रेडी हो जाएगा। तो अगर 20 अप्रैल को भी जो है क्लास 10 का रिजल्ट रेडी होता है तो यहाँ पे जो है 20 अप्रैल को तो क्लास 12 की कॉपी चेकिंग ही खत्म होगी। अब 20 अप्रैल को जब खत्म होगी तो 1 महीना सीबीएसई बोर्ड को टाइम लगेगा 12 का रिजल्ट रेडी करने में, यानी 20 मई तक जो है आप लोग का रिजल्ट यहां पर जाएगा। और जब 20 मई तक जाएगा तो 10 के बच्चों का जो है जो 20 अप्रैल तक कॉपी चेकिंग यहां पे रेडी हो चुका होगा उनको 20 मई तक यानी 1 महीना फिर से जो है इस साल भी
अभी आपको वेट करना पड़ेगा रिजल्ट को लेकर, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने कसम यहाँ पे ले रखी है पहले 12 फिर 10। अब इसको लेकर आप लोग बताइएगा ये चीजें जो है कितना ज्यादा सही है, क्या लास्ट ईयर जो है यहाँ पे जिस तरीके से वेट कराया गया, क्या इस साल भी जो है आपको वेट कराया जाना चाहिए, क्योंकि 12 का यहाँ पे जो है रिजल्ट जो है हर बार बच्चों को फंसाता है, 10 के स्टूडेंट्स को 12 के कारण 10 के बच्चे जो है यहाँ पे एक महीने फालतू के वेट करते हैं। क्योंकि 10 को लेकर बात करूं तो 11th की आपकी क्लासेस जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है धीरे धीरे जो है जिनकी स्कूल 12 तक है उनकी जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे स्टार्ट भी होने वाली होगी। अब ऐसे में जो है एक महीना यानी कि मई तक जो है आपका रिजल्ट जाएगा, मई के बाद जो है फिर जून जुलाई में जब आप लोग पढ़ाई शुरू करेंगे तो आपके पास जो है 11th को लेकर टाइम बचेगा नहीं। तो इसको लेकर दोस्तों यहाँ पे चीजें तो है, लेकिन फिलहाल दोस्तों ये सारी चीजें निकल के सामने आ रही है, रिजल्ट को लेकर मैंने आपको बता दिया, कॉपी चेकिंग को लेकर आपको बता दिया, और 10 के बच्चों के साथ जो है यहाँ पे क्या जो है उनके साथ यहाँ पे स्कैम होने वाला है वो भी मैंने आपको बता दिया कि 10 के बच्चों को जो है फिर से इस बार जो है आपको एक महीना आपके साथ जो है स्कैम होगा, यानी एक महीने का स्कैम ये होगा कि आपको वेट करना पड़ेगा 12 के लिए। तो ये चीजें जो है यहाँ पे अलग ही चल रहा है और इसको लेकर कुछ कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये बोर्ड ने रिवाज बना रखा है पहले 12 फिर 10। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा पहले 12 और 10 के बारे में आप लोग का क्या सोचना है, क्या इस साल भी जो है बोर्ड को क्या ये सेम चीज फॉलो करना चाहिए या फिर कुछ बदलना चाहिए।